नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट की स्ट्रीम में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए इस समय कप्तानी कर रहे विराट कोहली को एक बड़ा झटका लगा है। विराट को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में एक बड़ी गलती की, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां सिर्फ विराट नहीं बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर के साथ साथ पूरी प्लेइंग 11 टीम को सजा मिली है। क्या है वजह, क्यों विराट और उनकी टीम पर जुर्माना लगा है, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। आरसीबी के पिछले दो मैचों में उनके नियमित कप्तान चोटिल होने के कारण इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और उनकी जगह टीम की कप्तानी विराट कोहली करते हुए नजर आ रहे हैं। विराट की कप्तानी में आरसीबी ने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल की है। 23 अप्रैल को खेले गए इस मैच में आरसीबी ने रॉयल्स को 7 रन से हराया था, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में विराट कोहली को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया और उन पर अब 24 लाख का भारी जुर्माना लगा है। आरसीबी पर यह दूसरी बार स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा है। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी कप्तान फाफ डु प्लेसिस को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया था और तब उन पर 12 लाख का जुर्माना लगा था। इस बार विराट पर 24 लाख का और इंपैक्ट प्लेयर के साथ साथ प्लेइंग 11 में जितने भी खिलाड़ी थे उन पर मैच फीस का 25% या फिर 6-6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसलिए वो आरसीबी के लिए केवल बैटिंग करने आते हैं और उनकी जगह कप्तानी विराट कोहली संभाल रहे हैं। रॉयल्स के खिलाफ विराट का बल्ला भी नहीं चला था और वह पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए थे, जबकि फाफ ने 62 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। फाफ इस समय आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 7 मैचों में 405 रन है। वहीं विराट के नाम इतने ही मैचों में 279 रन है, जबकि आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर 8 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। अब आरसीबी का अगला मुकाबला 26 अप्रैल को केकेआर के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।